स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोड सेफ्टी के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि यहाँ पर जो है हम ये रोड पर अगर आप ड्राइविंग वगैरह करते हो तो उस वक्त जो है हमें कौन से हजार्ड का सामना करना पड़ सकता है और उसके लिए जो है हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं ये रोड सेफ्टी के बारे में। तो आपको पता ही होगा कि रोड सेफ्टी जो है ये क्रिटिकल कंसर्न हो जाता है हम सभी के लिए, क्यों चाहे आप जो है ड्राइवर हो या फिर जो है रास्ते पर जो है चलने वाले जो है एक पेडेस्ट्रियन हो या फिर साइक्लिस्ट हो, यानी कि कोई भी पर्सनस हो, जैसे कि आप ड्राइवर हो या फिर रोड से अगर चलने वाला कोई एक पर्सन हो या फिर कोई साइकिल चला रहा हो, हर किसी के लिए जो है रोड सेफ्टी जो है क्रिटिकल कंसर्न जो है वो बन जाता है। और इसीलिए जो है आपको समझना ये काफ़ी ज़रूरी है कि रोड पर जब भी आप चलते हो या फिर जैसे कि हम एज अ सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर जो है हमारी कंपनी में जो है काम करते हैं, तो रोड सेफ्टी का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। आपने देखा होगा कि अलग से डिजिग्नेशन भी आता है रोड सेफ्टी ऑफिसर। अब सेफ्टी ऑफिसर रोड सेफ्टी ऑफिसर में जो है डिफरेंस है, डिफरेंस यानी कि इतना ही, हालांकि जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनकी अलग अलग हो जाती है। सेफ्टी ऑफिसर जो है वो साइट की जो है ओवरऑल सेफ्टी की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं, तो वैसे ही रोड सेफ्टी ऑफिसर की जो है रोड पर कोई दुर्घटना ना हो, रोड पर जो है जो व्हीकल चल रही है वो सही से चलनी चाहिए, व्हीकल की स्पीड सही होनी चाहिए, तो रोड पर जो है कोई भी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, तो इसकी जो है देखभाल का काम, उसकी सेफ्टी का जो काम है वो रोड सेफ्टी ऑफिसर का जो है वो होता है। तो रोड सेफ्टी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो भी सेफ्टी पर्सन है उसको जो है या फिर जो भी पर्सन है वहाँ पर उन सभी को जो है ये पता होना चाहिए कि रोड के जो है क्या हजार्ड्स होते हैं और उसके लिए जो है क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ताकि जो है रोड से होने वाले या फिर रोड पर होने वाले जो भी एक्सीडेंट या फिर इंजुरीज है इसको जो है हम रिड्यूस कर सके। और वो हम कब कर सकेंगे, जब हमें रोड के बारे में पता हो, यानी कि रोड के बारे में पता हो यानी कि रोड जो है उसके ऊपर चलने वाली जो भी व्हीकल है तो उसकी सेफ्टी को जो है हम कैसे ध्यान में रखेंगे, वहां के ड्राइवर को जो है हम कैसे सेफली जो है रख सकते हैं, इसके बारे में जब आपको पता होगा तभी जो है आप रोड की जो है सेफ्टी को यहां पर मेंटेन कर सकोगे। ठीक है, तो यहां पर जो है हम इसके जो है कुछ क्या हजार्ड्स है, जब आप रोड पर जो है आपकी व्हीकल चलाते हो तो हमें कौन से हजार्ड का सामना करना पड़ सकता है और उसके लिए हम क्या प्रिकॉशंस लेने वाले हैं ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैं आपको यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिखाने वाला हूँ रोड सेफ्टी के बारे में, इसको अगर आपको डाउनलोड करना है तो हमारी वेबसाइट पर जो है आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का नाम है HSCStudyGuide.com। तो यहाँ पर जो है एक अलग से जो है PPT का जो है सेक्शंस आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको डाउनलोड PPT करके है। तो ये जो PPT रहेगी ये भी जो है आप वहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर जो है इसको डाउनलोड कर सकोगे, जिसमें जो है आपको ये सारा जो है रेडीमेड जो है मटेरियल मिल जाता है, आप अच्छे से इसको पढ़कर जो है समझ सकते हो। या फिर कहीं पर अगर आपको जो है प्रेजेंटेशन अगर देना है तो इसके बदौलत भी जो है आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो। तो इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको जो है डाउनलोड कर सकोगे। चलिए अब बात करते हैं हजार्ड और प्रिकॉशंस के बारे में। तो सबसे पहला जो हजार्ड है जो हमें रोड सेफ्टी के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो पहला जो हजार्ड है वो है डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग। अब डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग यानी कि इसका मतलब क्या है, जब भी आप जो है व्हीकल कोई चला रहे हो, ठीक है, तो उस वक्त जो है अगर आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हो गाड़ी चलाते वक्त, ड्राइविंग करते वक्त, या फिर कुछ खाते हो, या फिर जो है आप जो रेडियो रहेगा जैसे कि आप FM वगैरह चलाते हो या फिर कोई म्यूज़िक वगैरह चलाते हो, तो आप जो है म्यूज़िक प्लेयर को वहाँ पर एडजस्ट करते हो, तो ये क्या हो रहा है कि आप ड्राइविंग से जो है यहाँ पर डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं इस एक्टिविटी की वजह से। कैसे, तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने से या फिर कुछ खाना खाने से या फिर जो है आप रेडियो को एडजस्ट करने से। तो इस वक्त क्या होता है कि रोड से जो है आपका अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाता है, तो ये जो है ये डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग में आता है, जो आपका यहाँ पर पहला हजार्ड हो जाता है। तो इससे जो है हम कैसे बचेंगे, तो इसके लिए प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं कि जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हो तो आपने जो है हमेशा आपके ड्राइविंग के ऊपर ही फोकस देना है, ठीक है। अगर ज़रूरत हो तो आपको जो है डिस्ट्रैक्शंस को जो है वहाँ पर अवॉइड करना है, या फिर जो है कोई चीज़ अगर आपको करनी है, इम्पॉर्टेंट अगर कॉल है तो साइड पर जो है आप गाड़ी लगाकर जो है आपका जो इम्पोर्टेंट कॉल है वो अटेंड कर सकते हो। लेकिन गाड़ी चलाते वक्त अगर आप मोबाइल फ़ोन का अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको जो है दुर्घटना का जो है सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है रोड सेफ्टी में। सेकंड जो हजार्ड है वो है ज़्यादा जो देखा जाता है वो है स्पीडिंग। अब अगर आप जो है ज़्यादा स्पीड से अगर गाड़ी चलाते हो तो इससे क्या होता है कि रिएक्शन जो टाइम है वो तो रिड्यूस होता है, लेकिन इसके साथ साथ जो है सेवरिटी जो है होती है एक्सीडेंट की, यानी कि
गाड़ी स्पीड में है, और गाड़ी स्पीड में होने के कारण अगर कोई अगर दुर्घटना अगर होती है तो उसकी जो सेवरिटी है वो यहाँ पर जो है बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, तो हमें जो है जो भी स्पीड लिमिट है उसको हमेशा जो है ओबे करना है, उसका पालन करना है। अब कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी में अगर काम कर रहा है तो कंस्ट्रक्शन कंपनी में क्या होता है कि रोड सेफ्टी के लिए यानी कि जैसा रोड है उसके हिसाब से जो है स्पीड लिमिट जो है वहाँ पर होती है। किसी रोड पर जो है 20 किलोमीटर पर हवर होगा या फिर जो है 15 किलोमीटर पर हवर होगा, तो ऐसे जो है स्पीड लिमिट जो है वहाँ पर आपको उसके जो है साइन बोर्ड जो है वो दिखाई देते हैं। एज अ रोड सेफ्टी ऑफिसर जो है हम ये हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जहाँ पर जो है वर्कर लोगों का ज़्यादा आना जाना है तो वहाँ पर हम स्पीड लिमिट बोर्ड का जो है इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर हम बताते हैं कि इतनी स्पीड से ही जो है आपको गाड़ी चलानी है। तो उस स्पीड से जो है अगर आप गाड़ी चलाते हो तो उसको जो है उस लिमिट को जो है आपको उसको पालन करना है, और आपको जो है जो रोड की कंडीशंस रहेगी उसके अनुसार जो है स्पीड को भी जो है एडजस्ट करना है। तो आप जो है आपकी जो स्पीडिंग वाला जो हजार्ड है उसको आप यहाँ पर ओवरकम कर सकोगे, उसके लिए जो है आप ये प्रिकॉशन ले सकते हो। चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट हजार्ड के बारे में, जो है ड्रंक ड्राइविंग। ड्रंक ड्राइविंग यानी कि अगर आप जो है अल्कोहल का सेवन करते हो और उस वक्त जो है आप गाड़ी चलाते हो तो आपका जो जजमेंट होता है गाड़ी के ऊपर वो खराब हो जाता है, यानी कि आप जो है कोऑर्डिनेशन जो है वो नहीं कर सकते हो, रिएक्शन टाइम भी जो है वो आपका यहाँ पर खराब हो जाता है। तो ज़्यादातर देखा गया है कि जो रोड एक्सीडेंट होते हैं तो उसमें जो है अगर कोई पर्सन जो है वो गाड़ी चलाते वक्त अगर अल्कोहल का अगर सेवन करके है तो रोड एक्सीडेंट जो है ऐसे ज़्यादा देखे जाते हैं, यानी कि इसका जो है मेजर कंट्रीब्यूटर है। मेजर कंट्रीब्यूटर यानी कि अगर कोई पर्सन जो है अल्कोहल का सेवन करके अगर गाड़ी चला रहा है तो ऐसे जो है कई सारे हादसे जो है हमने जो है देखे हैं। तो अल्कोहल का जो है कभी भी सेवन करके जो है आपको गाड़ी नहीं चलानी है। ठीक है, तो प्रिकॉशंस में यही है कि आपको जो है कभी भी जो है कोई भी अल्कोहल हो या फिर ड्रग्स हो उसका सेवन करके जो है गाड़ी नहीं चलानी है, तो इस बात को जो है आपको ध्यान में देना है। ठीक है, तो अब मैं एक एग्जांपल यहाँ पर बता देता हूँ। एग्जांपल यानी कि जैसे कि मैं पुरानी कंपनी में जो है काम कर रहा था, मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो वहाँ पर जो है नाइट शिफ्ट में जो है हमारी ड्यूटी लगी थी। एज अ सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर मैं वहाँ पर काम कर रहा था, तो हमारा जो ड्राइवर था और वो कौन सा ड्राइवर, तो एम्बुलेंस ड्राइवर। अब व्हीकल जो है वो कोई भी हो सकती है, ठीक है, तो एम्बुलेंस ड्राइवर जो है वो वहाँ पर जो है अल्कोहल का सेवन करके था। तो हमने जो है इसकी रिपोर्टिंग जो थी हमारे जो साइड के जो मैनेजर थे उनको रिपोर्ट की कि एम्बुलेंस का जो ड्राइवर है वो यहाँ पर जो है अल्कोहल का सेवन करके आया है। तो इमीडिएटली जो है उसके ऊपर एक्शन लिया था और उस दिन जो है उसको पनिश भी किया था, और फिर उसके अल्टरनेटिव में जो है दूसरे ड्राइवर को जो है वहाँ पर बुलाया गया था। तो ऐसे जो है आपको ध्यान देना है कि कोई भी अगर अल्कोहल का सेवन करके अगर ड्राइविंग करता है तो आपको जो है अलाउ नहीं करना है एज अ सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट हजार्ड के बारे में, जो है वेदर कंडीशंस। अब होता क्या है कि जब भी आप गाड़ी चलाते हो तो रेनी सीजन में आप गाड़ी चलाते हो या फिर फॉग वाला हो, स्नो वाला या फिर आइस, तो ऐसा जो है अलग अलग सीजन होता है। तो अगर आप जो है गाड़ी चला रहे हो तो आपको जो है ऐसे सीजन में जब आप गाड़ी चला रहे हो तो क्या होता है कि रोड जो है वो स्लिपरी हो जाता है, जिसकी वजह से जो है विजिबिलिटी जो है वो यहाँ पर जो है डिक्रीज हो जाती है। तो इस वक्त जो है आपने क्या प्रिकॉशंस लेना है, तो जब भी आप ड्राइविंग करोगे ऐसे सीजन में तो आपको जो है सावधानी पूर्वक ड्राइविंग करनी है, आपकी जो स्पीड रहेगी वो रिड्यूस आपको करनी है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है आपको हमेशा जो है हेडलाइट का जो है इस्तेमाल करना है, और हो सके अगर ज़रूरत हो तो विंडशील्ड वाइपर का भी जो है आपने इस्तेमाल करना है, तभी जाकर जो है आप इस हजार्ड को जो है कंट्रोल कर सकोगे। नेक्स्ट हजार्ड की बात करते हैं, वो है फटीग। अब देखिए कि ड्राइविंग जो है अगर आप कर रहे हो और आप जो है टायर्ड हो, और टायर्ड जब आप थके हुए हो और उस वक्त जो है अगर आप ड्राइविंग करते हो तो इसकी वजह से जो है आपकी जो एबिलिटी है यानी कि ड्राइविंग करने के ऊपर जो कंसंट्रेशन होना चाहिए उसमें, तो वो जो एबिलिटी है आपकी वो यहाँ पर ख़राब हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप पहले से ही जो है यहाँ पर टायर्ड हो। ठीक है, आपको जो है पहले से ही जो है यहाँ पर टायर्डनेस आया हुआ है, और ये कब आता है, जब आपने जो है बिल्कुल रेस्ट नहीं किया है या फिर जो है आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो उस वक्त जो है आपको ऐसा लगता है। और उस वक्त अगर आप जो है गाड़ी चला रहे हो, आप थके हुए हो, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता है और क्विक जो है रिएक्ट आप वहाँ पर जो है नहीं कर पाते हो, तो वो जो है खराब हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या करना है, इसके लिए आपको प्रिकॉशंस लेना है कि जब भी आपको लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर अगर ड्राइविंग करनी है तो उससे पहले जो है आपने
आप जो है इनफ जो है वो रेस्ट लेना ज़रूरी है, ठीक है। आपने मतलब जैसे कि आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, आपकी बॉडी को जो है रेस्ट देना काफ़ी ज़रूरी है जब भी आपको लॉन्ग डिस्टेंस पर जाना हो, या फिर जब आप गाड़ी चला रहे हो तो फ्रिक्वेंटली जो है आपने ब्रेक भी लेना ज़रूरी है। बीच बीच में जो है जैसे कि एक घंटा या फिर दो घंटे जो है कंटिन्यू आपने गाड़ी चला ली, ठीक है, तो उसके अनुसार जो है फिर आप जो है एक टी वगैरह लेकर जो है थोड़ा ब्रेक ले सकते हो, ठीक है। या फिर जो है अगर आपके साथ में अगर दूसरा कोई पर्सन है वो भी ड्राइवर है तो आप जो है स्विच कर सकते हो, मतलब आधे रास्ते तक वो चलाएगा फिर आधे रास्ते तक आप चलाओगे, अगर पॉसिबल हो तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो फटीग के लिए जो है आप ये कर सकते हो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट हज़ार्ड के बारे में। तो नेक्स्ट जो हज़ार्ड है वो है पुअर रोड कंडीशंस। अब देखिए कि जैसे कि कई रास्ते जो है हर कोई रास्ता जो है वो सही नहीं होता है, तो कहीं पर जो है पैथोल्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, गड्ढे कहीं रोड पर हो सकते हैं, अनइवन सरफेस हो सकता है, यानी कि रोड जो है वो सही से ना हो, अनइवन हो, ठीक है, ऊपर नीचे या फिर रोड के ऊपर डेब्रिज भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में अगर आप जो है गाड़ी चलाते हो तो आपको जो है एक्सीडेंट का जो है सामना करना पड़ सकता है, या फिर जो है आपकी व्हीकल भी जो है डैमेज हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर पुअर रोड कंडीशन है, कंडीशन रोड की जो कंडीशन है वो सही नहीं है। तो ऐसे में अगर आप गाड़ी चला रहे हो सावधानीपूर्वक अगर नहीं चलाते हो तो आपको एक्सीडेंट का भी जो है सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप प्रिकॉशंस लेना है कि आपने जो है हमेशा अलर्ट रहना है, और जब भी आप ड्राइविंग करते हो तो आपको सावधानी बरतनी है, खास तौर से जो है जिस रोड पर आप फैमिलियर नहीं हो, यानी कि एक नई सड़क है, उस नए सड़क पर अगर आप पहली बार जा रहे हो और वो रोड की कंडीशन सही नहीं है तो उस वक्त जो है आपने ज़्यादा सावधानी बरतना यहाँ पर ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट हज़ार्ड की। तो नेक्स्ट हज़ार्ड है कि जो आप देखते हो कि जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हो और कहीं कहीं पर जो है एक इंटर जो है सेक्शन आता है जहां पर जो है क्रॉस ओवर होता है, मतलब जो पेडेस्ट्रियन जो भी पर्सन्स होते हैं उनके लिए जो है क्रॉस ओवर होता है, ठीक है। ये आपकी गाड़ी यहां से जा रही है और ये पेडेस्ट्रियन क्रॉस ओवर है, तो यहां पर जो है किसी भी पर्सन्स को अगर इस डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन अगर जाना है तो वो जो है इस रास्ते से जो है जाते हैं, और आपकी गाड़ी अगर स्पीडली अगर रहेगी, आप अगर ये चीज़ नहीं देखते हो कि सामने जो है क्रॉसवॉक है जहाँ पर जो है पैदल चल रहे हैं लोग या फिर इंटरसेक्शन है, और आपकी गाड़ी जो है स्पीड में अगर है तो वहाँ पर जो है एक्सीडेंट होने की संभावना है। तो आपने करना क्या है, तो पेडेस्ट्रियन आपने ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी जो है ऐसा क्रॉसवॉक आप देखते हो या फिर इंटरसेक्शन अगर देखते हो और आप वहाँ पर गाड़ी चलाते वक्त जो है इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हो तो आपको जो है एक्सीडेंट का भी जो है सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रिकॉशंस लेना है कि हमेशा जो है आपने पेडेस्ट्रियन के लिए जो है यहाँ पर नज़र बनाए रखनी है कि कहीं पर जो है पेडेस्ट्रियन जो है वहाँ से चल तो नहीं रहे हैं या फिर उनका रास्ता तो नहीं है, उस चीज़ को जो है वहाँ पर आपको केयरफुली देखना होगा। फिर उसके बाद का हज़ार्ड है वो है व्हीकल वाला। अब व्हीकल वाला यानी कि जैसे कि आप जो गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, जो भी व्हीकल आप चला रहे हो सकता है कि उसकी ब्रेक जो कंडीशंस है वो सही ना हो, ब्रेक की जो कंडीशंस है वो सही ना हो, यानी कि उसका माल फंक्शंस हो, ब्रेक सही से काम ना कर रहा हो, ये भी जो है हज़ार्ड हमें देखने को मिलता है। या फिर जो व्हीकल है उसके जो टायर्स है वो फटे हुए हो या फिर जो है अच्छे कंडीशंस में ना हो, ठीक है, या फिर जो है जो लाइट है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, हेडलैम्प वगैरह हो तो वो अगर फाल्टी है या फिर सही से काम नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी जो है आपको एक्सीडेंट का जो है सामना करना पड़ सकता है। ओवरऑल जो है व्हीकल का अगर सही से अगर मेंटेनेंस ना हो तो आप जो है आपको जो है एक्सीडेंट का जो है सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेना है, तो आपको जो है आपकी जो व्हीकल है उसका रेगुलर मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर आप देखते हो कि कोई अगर उसमें इश्यूज़ है जैसे कि टायर की कंडीशंस सही नहीं है या फिर ब्रेक सही से काम नहीं कर रहे हैं तो ऐसे इश्यूज़ जैसे ही आप देखते हो तो उसको जो है एड्रेस करना ज़रूरी है, उसको जो है सॉल्व करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद का जो हज़ार्ड है जो हमें देखने को मिलता है वो है एग्रेसिव ड्राइविंग। अब देखिए कि जब कोई ड्राइवर जो है वो ड्राइविंग करता है तो उसका जो डोर है, ठीक है, वो अगर खोल कर ही जो है टेल कर ही जो है वो गाड़ी चला रहा है, यानी कि वो एग्रेसिव ड्राइविंग में आ जाता है। या फिर जो है कोई बंदा जो है खिड़की से जो है अपना हाथ ऐसे बाहर निकाल कर जो है उसको हिलाते हुए जो है यानी कि वेविंग करते हुए जो है वो चलते रहता है, वो भी जो है एग्रेसिव ड्राइविंग में आता है, ठीक है। ट्रैफिक का जो है वो वहाँ पर पालन नहीं करता है तो ये जो है ये एग्रेसिव ड्राइविंग में आता है। या फिर रोड रेज यानी कि ड्राइविंग चलाते समय जो है आपका व्यवहार जो है वो दूसरे ड्राइवर के साथ में जो है अच्छा नहीं है,
ठीक है। तो ये जो सारी सिचुएशंस है इसकी वजह से भी जो है एक्सीडेंट होने में जो एक्सीडेंट जो है वो हो सकते हैं, यानी कि एग्रेसिव ड्राइविंग जो है ये भी जो है यहाँ पर हजार्ड हमें देखने को मिलता है। तो आपका जो है बिहेवियर यहाँ पर जो है अच्छा होना चाहिए। प्रिकॉशंस में हम जानते हैं, तो आपने जब भी आप गाड़ी चलाते हो तो आपने जो है काम रहना है, पेशेंस रहना है, आपके मन में जो है वो पेशेंस होनी चाहिए, यानी कि किसी भी चीज़ के ऊपर जो है जल्दी आपने रिएक्ट नहीं करना है, आपको जो है काम रहना है। और जो भी जिसकी भी दूसरे पर्सन की अगर एग्रेसिव ड्राइविंग अगर आप देखते हो कि आपको जो है स्पीडली ओवरटेक करके जा रहा है, ठीक है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो आपको जो है उस चीज़ को जो है अवॉइड करना है। मतलब उसके साथ ऐसा नहीं है कि आप जो है रेसिंग करने वहाँ पर लग जाओ, ठीक है, तो ऐसी चीज़ से जो है आपको अवॉइड करना है। फिर उसके बाद का जो हजार्ड है वो है सीट बेल्ट, यानी कि अगर आप जो है ड्राइविंग करते समय जो है सीट बेल्ट का अगर इस्तेमाल नहीं करते हो तो उसकी वजह से भी जो है सीरियस इंजुरी हो सकती है। क्योंकि अगर आपकी जो है गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा स्पीड से है और आप जो है सीट बेल्ट जो है नहीं लगाए हो, तो और उस केस में जो है किसी दूसरी गाड़ी के साथ या फिर किसी ऑब्जेक्ट के साथ में जो है आपकी गाड़ी का जो है टकराव हो जाता है, तो उस वक्त जो है आपको सीरियस इंजुरी हो सकती है, यहाँ तक कि जो है डेथ भी हो सकती है उस केस में। तो इसलिए जो है सीट बेल्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए हम प्रिकॉशंस में क्या ले सकते हैं कि सीट बेल्ट का जो है हमेशा जो है आपने यूज़ करना है और इंश्योर करना है कि आपके साथ में जो भी पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, यानी कि आपके साथ में जो भी पर्सन बैठा हुआ है उसने भी जो है सीट बेल्ट का इस्तेमाल किया हुआ है क्या, वो भी चीज़ आपको देखनी है। तो अगर हम मैंने जो सारे अभी आपको जो है 10 यहाँ पर जो है हजार्ड्स और प्रिकॉशंस बताया है, ये सारे के सारे अगर हजार्ड्स अगर आपको पता है या फिर आप इसके बारे में अगर अवेयर हो, साथ ही साथ जो अप्रोप्राइट मैंने प्रिकॉशंस बताए हैं उसके बारे में भी अगर आप अवेयर हो, तो हर एक जो पर्सन से यहाँ पर जो है रोड सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए जो है इम्पोर्टेंट रोल कर रहा है। अगर आप ये जानकारी आपको है और आप उसको इम्प्लीमेंट अगर कर रहे हो तो आप रोड सेफ्टी को प्रमोट करने में मदद कर रहे हो, साथ ही साथ जो है रोड के जो भी एक्सीडेंट है उसके ऊपर होने वाले उसको भी जो है रिड्यूस करने में जो है आप काफ़ी मदद कर रहे हो। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पर रोड सेफ्टी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और साथ ही साथ इसके हजार्ड और प्रिकॉशंस के बारे में बताया है, तो ये जो PPT है इसको अगर आपको डाउनलोड करना है तो इसका जो लिंक है मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हो और भी अच्छे से जो है इसको समझ सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।